जैसा कि हम पूर्व भाग में भाग्य रेखा के विषय में बहुत ही रोचक और अनेक प्रकार के अनुभवों का विश्लेषण कर रहे थे, उसी प्रकार से सूर्य रेखा का विश्लेषण करने जा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के हाथ में जहाँ अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है, सूर्य पर्वत होता है, सन माउंट कहलाता है। इस से जातक बहुत ही प्रभावशाली, योग्य, सुयोग्य, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य राजा है, सूर्य मूल रूप से योग्यता का कारक है, सूर्य मान सम्मान अनेक प्रकार की जो दैनिक जीवन के गुण हैं उनको देने वाला है। जो रेखा हमारे सूर्य पर्वत से, सूर्य पर्वत के ऊपर से होती हुई निकलती है, अर्थात जातक के हाथ में सूर्य के ऊपर से निकली हुई रेखा सूर्य पर्वत कहलाती है, सूर्य रेखा कहलाती है। जैसा कि हर रेखाओं के विषय में हमारे विद्वानों का कथन है कि रेखा गहरी लाल रंग की, चमकीली, पतली और निर्दोष, किसी प्रकार का कोई दोष युक्त नहीं हो, तो ऐसी रेखाएं जातक के जीवन काल में विशेष रूप से विशेष लाभ प्रदान करती हैं, अनेक प्रकार की प्रसन्नताएं देती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य रेखा जिन जातकों के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर बहुत ही लाल रंग की गहरी चमकीली और बारीक निकलती हुई बढ़ रही है, ऐसे जातक अपने जीवन काल में बहुत ही भाग्यवान, प्रतिष्ठावान, राजा के तुल्य सुख भोगने वाले होते हैं। इस विषय में हमारे हस्तरेखा के विद्वानों का कथन है जो पुराणों और वेदों से प्रमाणित है कि जिस जातक के हाथ में यह रेखा सूर्य रेखा निर्दोष पाई जाती है, चमकीली पाई जाती है, गहरे रंग की पाई जाती है, ऐसा जातक विशेष रूप से जो है विशेष रूप से कलात्मक, अनेक कलाओं का की प्रतिभा को प्राप्त करने वाला तथा प्रतिभाओं के द्वारा अनेक प्रकार के यशों को प्राप्त करने वाला और इस रेखा के प्रभाव से जब व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर अनेक प्रकार की कलात्मक रचनाएं होती हैं, कलात्मक गुण होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सांसारिक व्यक्तियों के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठावान बन जाते हैं तथा ये जीवन काल में अनेक प्रकार से धन की प्राप्ति करते हैं, वैभव को प्राप्त करते हैं तथा ऐसे व्यक्ति समाज में बड़ी मान सम्मान के साथ में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और हर कार्य में वह सफलता को प्राप्त करते हैं तथा कलाकार, ऐसे जातक कलाकार होते हैं। कलाकार के विषय में स्वयं आप जानते हैं कि जितने ये हीरो हीरोइन हैं जो अपने अंगों का प्रदर्शन करके
सांसारिक प्राणियों को बहुत ही प्रभावित करते हैं, अर्थात उनका आमोद प्रमोद करके और अपने कलात्मक रूप से उनको वशीकरण कर लेते हैं, उनका यशोगान करने वाले बना लेते हैं। ये इस सूर्य रेखा का कलात्मक क्षेत्र में विशेष योगदान होता है। ऐसे जातक राजनीतिज्ञ होते हैं जिनकी सूर्य रेखा प्रबल और निर्दोष होती है, प्रभावशाली होती है। ऐसे जातक विशेष रूप से राजनीति में अपना उच्च पद प्राप्त करते हैं और देश में अपनी राजनीतिक कलाओं के द्वारा, अर्थात अपनी बुद्धि की विलक्षणता के द्वारा राजनीति के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त करते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं और अपनी गरिमा को बढ़ाते जाते हैं। इसी प्रकार से जिन जातकों की ये सूर्य रेखा प्रभावशाली निर्दोष होती है, ऐसे जातक कवि, लेखक और संगीतज्ञ होते हैं, जो अपनी कविता के माध्यम से या अपने अनेक प्रकार के लेखन के माध्यम से या अपनी संगीतमयी विद्या के माध्यम से सांसारिक प्राणियों को प्रभावित करते हैं और उनसे अनेक प्रकार का मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ऐसे जातकों में अनेक प्रकार के गुण तो पाए ही जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से कला के क्षेत्र में नेता अभिनेता के रूप में ये सांसारिक प्राणियों के ऊपर छाए रहते हैं, जिनकी छाप उनके जीवन काल तक अमिट बनी रहती है। इसी के साथ में यदि यह भाग सूर्य रेखा यदि दोष अर्थात द्वीप युक्त इस सूर्य रेखा में द्वीप बने हुए हों, या यह रेखा उद्गम स्थान से निकल करके आगे दो शाखाओं में बट जाए, तो शुभ फल प्रदान नहीं करती है, अर्थात जातक को अनेक प्रकार के अशुभ फलों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि यह सूर्य रेखा कलात्मक हाथों में, हाथ जैसा कि ये आपको आगे बताया जाएगा कि हाथ कई प्रकार के होते हैं, कलात्मक हाथ, दार्शनिक हाथ, छोटे हाथ, बड़े हाथ, आदर्श हाथ, तो यदि ये सूर्य रेखा निर्दोष रूप से कलात्मक हाथों में पाई जाती है तो ऐसे जातक विशेष रूप से कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और संगीत प्रेमी और संगीत में दक्षता प्राप्त करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यह सूर्य रेखा यदि दार्शनिक हाथों में पाई जाती है तो ऐसे जातक अनेक प्रकार के अन्वेषण, अनेक प्रकार की खोज करने वाले, इस विषय में जितने वैज्ञानिक, उच्च कोटि के वैज्ञानिक होते हैं, जो अनेक प्रकार की रिसर्च करते हैं, ये उन्हीं जातकों के हाथों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। अर्थात ऐसे विद्वानों या ऐसे अन्वेषणकर्ताओं के हाथ दार्शनिक होते हैं और वह उनके दार्शनिक हाथों में यह सूर्य रेखा निर्दोष पाई जाती है, जिससे वह अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की रिसर्च करते हैं और ऐसी रिसर्च जो अन्य व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, उस ऐसी रिसर्च को प्राप्त करके प्रतिभा और मान सम्मान को प्राप्त करते हैं और सांसारिक प्राणियों को विशेष लाभ प्रदान करते हैं। तथा ऐसे जातक विशेष रूप से अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के तथ्यों को जानने के लिए सदैव
चिंतनशील, मननशील और उन रिसर्च तथ्यों में ढूंढने के लिए बहुत ही मग्न रहते हैं। उनको यहाँ तक ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातकों के आसपास में कोई छोटे मोटे कार्य होते रहते हों तो उनको उनका पता भी नहीं चलता है। वो अपनी लीला में, अपने खोज की लीला में, अपने अनेक प्रकार की रिसर्च कार्य में इतने मग्न हो जाते हैं तो वे अधिकांशतः खाना पीना तक भूल जाते हैं और अपने अलौकिक दुनिया में मग्न रहते हैं। यदि यह सूर्य रेखा निर्दोष होकर के आदर्श हाथों में होती है तो ऐसे जातक बहुत ही कर्मशील अर्थात संसार के अनेक कार्यों को एक साथ करने वाले और दक्षता पूर्वक उनमें सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। वैसे प्राय आपने देखा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक या दो कार्यों को ही पूर्ण करने में बहुत ही विचलित हो जाता है, लेकिन जिन आदर्श हाथों में ये सूर्य रेखा निर्दोष पाई जाती है वे जातक अपने जीवन काल में संसार के अनेक कार्यों को एक साथ विधिवत रूप से पूर्ण करने वाले और उनसे स्वयं लाभ के साथ साथ में सांसारिक जगत के प्राणियों को विशेष लाभ प्रदान करने वाले होते हैं तथा उनका जीवन में यदि आदर्श हाथों में यह सूर्य रेखा दोषपूर्ण पाई जाती है तो उनकी कर्मशीलता, चिंतन मनन धीरे धीरे शांत हो जाता है और दूसरों को वह लाभ प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि आप किसी भी जातक के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर सूर्य रेखा को ध्यान से देखेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और विभिन्न हाथों में तुलनात्मक रूप में यदि अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त होगा और आप अपना कल्याण करेंगे तथा दूसरों का भी कल्याण करेंगे, जिससे सांसारिक प्राणी आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान से प्रभावित रहेंगे और उसका अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे। कल्याणम अस्तु।